नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। रायपुर हैदराबाद एक्सप्रेसवे, अगर हम देखें तो रायपुर हैदराबाद एक्सप्रेसवे का कोई भी कंस्ट्रक्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। उसका क्या रीज़न है, आज के इस वीडियो पर हम डिस्कस करेंगे। और जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, इवन मेरे एक फ्रेंड से भी बात हुई, उनके अनुसार जो कि NHAI में इंजीनियर था, उससे भी बात हुई थी मेरी बहुत पहले, तो उसके अनुसार ये है कि आपका जो है भूमि राशि है, लैंड एक्विजिशन है, यानी भूमि अधिग्रहण है, उसमें अगर आप भूमि राशि में जाकर देखते हैं तो केवल आपको 3A नोटिफिकेशन, 3A स्मॉल ए नोटिफिकेशन दिखता है। इसका मैं बहुत आसान शब्दों में आपको बात बताऊँ, 3 स्मॉल A, 3 कैपिटल A और साथ ही 3D, ये 3 नोटिफिकेशन होते हैं, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होते हैं। 3A नोटिफिकेशन में हमको पता चलता है, अगर हम वेबसाइट में जाएंगे, कि कौन कौन से गांव से होकर आपका वो एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। ये बात आपको समझ में आ गई। 3A नोटिफिकेशन में बाकायदा पूरी चीज़ें आती हैं, नाम आता है ऑनर का और पता चलता है कि कौन सी भूमि जा रही है। उसी तरीके 3D में क्लियर कट सारी चीज़ों का डिटेल रहता है। अगर भूमि अधिग्रहण की जो प्रक्रिया चलती है उसमें हमको गाँव पता है, अलाइनमेंट पता है, सारे डिटेल हमको पता रहता है। हालांकि उस वेबसाइट में आप सारा डिटेल नहीं दे सकते, मैप एक्यूरेट एग्जैक्ट, वो आपको बड़ा जो DPR है गवर्नमेंट ऑफिस में ही आपको मिलेगा, जिसमें आपका जो है, सॉरी DPR मैंने बोल दिया, आपकी जो मैप है उसमें आपको गवर्नमेंट ऑफिस में मिलेगा जहां पर भूमि अधिग्रहण होने वाला है। जैसे कि आपका SDM के अंतर्गत जनरली जो गैजेट ऑफिसर अपॉइंट होते हैं वो SDM लेवल के होते हैं। तो जब तक पूरा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, कितना उसका बंदे का खेत या कोई भी पर्सन का खेत कितना जा रहा है, कितना लैंड एक्विजिशन करना है, उसका रेट कितना तय हुआ है, किस रेट बेसिस पर हो रहा है, हालांकि NHAI के रेट के अनुसार होता है। उसके बाद जब फाइनल लिस्ट आ जाती है 3D के बाद, तब जाके फिर रोड का कंस्ट्रक्शन, फिर आपका टेंडर मिलता है। इस वजह से ये जो प्रक्रिया है ये काफ़ी स्लो चल रही है। और आपका जो दुर्ग रायपुर बाईपास में भी प्रक्रिया काफ़ी स्लो थी, जिसकी वजह से 2019-20 में आपका 3A नोटिफिकेशन निकला, मतलब इनिशियल नोटिफिकेशन, उसके बाद भूमि अधिग्रहण का प्रोसेस में काफ़ी लंबा समय लगा। अब देखिए 2024 चार साल हो गया है, अब अर्थवर्क का काम स्टार्ट हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स काफ़ी डिले चलते हैं, क्योंकि जो सारी जिम्मेदारी आ जाती है वो स्टेट गवर्नमेंट की आ जाती है, क्योंकि जो भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया है वो स्टेट गवर्नमेंट संभालता है। अब जब हम वेबसाइट पर जाकर देखते हैं तो हमें आपका 2023 मतलब जनवरी 2023 मतलब लास्ट ईयर का, एक साल पहले का नोटिफिकेशन में 3A दिखाई दे रहा है। 3 कैपिटल A नहीं आया है, 3D भी नहीं आया है, इसी वजह से आप कंस्ट्रक्शन नहीं देख पा रहे हैं। हाँ, अलाइनमेंट फिक्स ज़रूर हो चुका है। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।